ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ रियल टॉक जेन्युइन जो इसके फील्ड में ऑटिज्म अवेयरनेस के फील्ड में या फिर ऑटिज्म के रिहैबिलिटेशन के फील्ड में जो जो जेन्युइन बातें होनी चाहिए, जो सबको जाननी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। लास्ट वीक में हमारे साथ 17, 18 या 20 लोग जुड़े हुए, एग्जैक्ट काउंटिंग तो मुझे नहीं याद है, वो ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं। हमारा फिजिकल सेशन जैसे चलता है वैसे चल रहा है। ऑनलाइन सेशन में जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर 20 लोग जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। और इस बात की खुशी होती है कि हमारे भारत से लोग पूरी दुनिया में हैं और पूरी दुनिया तक हमारी पहुंच हो रही है, तो ये अच्छी बात है। वहाँ से लोग जुड़ते हैं और हिंदी इतने अच्छे से बोल लेते हैं तभी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल इंग्लिश पे और फॉरेन कंट्री वाले लोगों पे फोकस कर नहीं रहे। वो धीरे धीरे उस पर भी अपडेट करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि प्लीज़ ऐड इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर प्लीज़ ऐड इंग्लिश वीडियोज़, तो अभी उस पर काम करेंगे। पहले लगता है कि जनमानस की भाषा जो है वो हिंदी है, तो हिंदी सहजता से हम बोल सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अपनी बातों को रखने का सबसे अच्छा माध्यम हिंदी लगता है मुझे, इसलिए मैंने हिंदी को चुना। बोलने के लिए संस्कृत में भी बोल दें लेकिन इंग्लिश में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, लिखने के लिए लिख दें लेकिन बोलने में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। जल्दी ही उसके लिए कर रहे हैं व्यवस्था, तो फिर उसके बाद इंग्लिश में भी हम लोग वीडियो डालेंगे। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे कि ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में चूक कहाँ कहाँ हो रही है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे दिल्ली से कि उनका नाम नहीं लेंगे, पता नहीं उनको कहीं ये ना लगे कि परमिशन नहीं लिए, नाम नहीं लिए, परमिशन नहीं लिए और नाम ले लिए। तो उन्होंने फ़ोन किया, उनके बच्चे को शायद ऑटिज्म डायग्नोस किया गया है, मॉडरेट ऑटिज्म डायग्नोस किया गया है। उसके बाद बच्चे को 3 सेशन दिया गया, थेरेपी का सेशन किया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी, तीनों चीज़ें कराई है। मतलब ये है कि कम से कम भी दिल्ली में ये होगा तो 30,000 रुपया मंथली और 5-7 हज़ार की दवा महीने की, तो 35 से 40 हज़ार रुपये का महीना एक बच्चे पे। जो कैपेबल हैं वो तो 4-5 महीने करा सकते हैं, जो कैपेबल नहीं है उनके तो बस की बात है ही नहीं। वो अब क्या करेंगे, जिंदगी भर गिल्ट में जिएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम है और हमारे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से इलाज हम नहीं कराए। और फिर उसको लगेगा कि 6 महीने बाद उनको लगेगा कि इलाज नहीं कराए, इसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ गई या फिर ठीक नहीं हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ समझ लेने की ज़रूरत है, जो 5-6 महीने जाएंगे भी इन तीनों सेशंस में, उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होना। थोड़ा बहुत जो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में गया तो उससे सेंसरी इंटीग्रेशन वगैरह का किया गया तो सेंसरी इशूज कम हो जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि एक दिन में तीन तीन चार चार सेशंस ज्वाइन करके और 6 महीने में बच्चे को पूरी तरह से क्योर कर लेंगे, उसके बाद ये क्या करेगा कि बोलने लगेगा और पढ़ने लगेगा और डॉक्टर की डिग्री ले लेगा, इंजीनियर की डिग्री ले लेगा, तो ये भ्रम है। इस भ्रम में पढ़ना ही नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए कि मैंने बताया है उनको, उन्होंने फ़ोन किया था, उनको सारी बातें बताई मैंने। मैंने बोला कि जस्ट लाइक कि आप मैट्रिक किए, 10th किए, उसके बाद आई इंटरमीडिएट में गए तो उसमें ISC, ICOM, IA, तो मतलब साइंस से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ में नहीं ली जा सकती हैं। एक बार में एक ही चीज़ ली जा सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। ISC ले सकते हैं, ICOM आपके हिसाब से सही है तो वो ले सकते हैं, IA ले सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें एक साथ कैसे ले सकते हैं? ना वो मतलब आपके लिए सही होगा और ना कि वो वैलिड होगा, लीगल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को। ये सिर्फ मनी मेकिंग पॉलिसी है और कुछ नहीं है। और बिना मतलब डरा दिया जा रहा है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है और मॉडरेट है और सीवियर है। जो पेरेंट्स ऑटिज्म बचपन से लेकर आज तक सुना नहीं है वो, और बड़े बड़े डॉक्टर सब लोग नहीं सुने, बहुत सारे डॉक्टर लोग के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब डॉक्टर लोग की फैमिली जुड़ी हुई है, उनके बच्चों में प्रॉब्लम है,
तो वो किसी अलग फील्ड के डॉक्टर हैं, उनको खुद ही इसके बारे में पता नहीं है, इसी बारे में अवेयर नहीं, उन्होंने भी सोशल मीडिया और कहीं कहीं से थोड़ा बहुत आर्टिकल वगैरह लेके दे, तो जो इस फील्ड में काम किया होगा, जो इस फील्ड में पढ़ा होगा, जिसने 10 साल अपने बिताए होंगे, उसको समझ आएगा कि ऑटिज्म क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होती है, कैसे क्या होता है। मैंने बार बार वीडियो में बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखने की चीज़ें इतनी सारी हैं कि अब जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन लोग इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे कि आप पूछिए मत, क्योंकि वो अपने बचाव का साधन बना रहे हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करना है उनको, हमेशा दिखाना है, ऑडिट वगैरह होती है तो उन सब चीज़ों में सारा कुछ प्रूफ देना होता है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वही सिस्टम अब आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी, कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के 50 चीज़ें लिखा गया, 10 से 15 पेज में असेसमेंट किया गया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर 50 बच्चे उसके यहाँ हैं तो 50ों में सेम चला रहा है, 6 महीना साल भर से सेम प्रोटोकॉल चल रहा है। एक समय आता है सेचुरेशन का फेज, सेचुरेशन का फेज जब आता है तो उसके आगे उसको समझ में आ ही नहीं रहा कि बच्चे में करना क्या है। पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं होगा, यही चीज़ चलती रहेंगी, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ऐसे है। और इन लोग क्या है कि इन लोग को सोचने का फुर्सत नहीं है कि हाँ नया इसमें करें क्या, क्योंकि उसके आगे इनको समझ ही नहीं है कि इसमें करें क्या। तो इसके लिए आपको समझना होगा, आपको अवेयर होना होगा। मैंने बार बार बोला है कि पेरेंट्स से बढ़िया मार्गदर्शक इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, और इसके लिए मतलब इसको सिखाने के लिए ट्यूटर कोई नहीं हो सकता है, टीचर कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स पहले सीख लें तो उनके साथ 22-23 घंटे बच्चा रहता है, 1-2 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन, एक एक पाथवे बना दिया गया कि इस पाथवे पे आप बच्चे को लेके चलेंगे, लेकिन लेके चलना आपको है। अभी बहुत सारे बच्चे, कल ही मैंने ये करा था, कल ग्रुप थेरेपी का सेशन रखा था अपने क्लिनिक पे, क्योंकि सैटरडे को नहीं हो पाया था तो कल मैंने ग्रुप थेरेपी का सेशन रखा। ग्रुप थेरेपी का सेशन हुआ, उसके बाद पेरेंट्स लोग को बुलाया गया बातचीत करने के लिए कि जिनको प्रॉब्लम है जो आके बता दें। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ बच्चा काफ़ी स्थिर बैठता है, सिटिंग टॉलरेंस है, फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, काम करता है, आपकी कमांड फॉलो करता है, आप लोगों की बात मानता है, घर में नहीं करता है। घर में नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? वो आप लोग हैं। आप लोग क्या है कि थोड़ा सा बैठाएंगे, बच्चा इरिटेट होने लगेगा, उसको छोड़ देंगे कि क्यों रुलाना। तो ये मोह माया, जो बच्चे को टॉर्चर नहीं करना है, मारना नहीं है, लेकिन सही चीज़ जब कर रहे हैं तब भी आप मोह माया में पड़े हुए हैं, तो ये गलती आपकी है। हम यहाँ पे मोह नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं तो बच्चा उसको समझ में आता है कि नहीं, यहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो ये कह रहे हैं वो चीज़ करनी है, तो उसको करना है और वो करता है, करता है तो धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। अब घर में उसको लगता है, देखिए बच्चे को घर में क्या लगता है कि जैसे कि उसका अपना घर है, आप उसके यहाँ एज ए रेंटर समझ लीजिए हैं, या फिर आप बाहर वाले हैं, घर उसका है, वो अपने हिसाब से ही करेगा। अब बस उसको बताइए कि नहीं घर वाले हम भी हैं और मेरे हिसाब से चलेगा, बस देखिए बच्चा एक ना। मैं एक बार बार एक ये करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन सेशन में लोग जुड़े हुए या वीडियो में मैंने बोला होगा कि 3-3 घंटे का प्रोटोकॉल तो मैंने दे दिया कि दिन में 4 बार 5 बार कर सकते हैं, मतलब कि कम से कम 4 बार करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बीच में क्या करें? जैसे 3-3 घंटे का ये हुआ, उसके बाद गैप तो बचता है 2-2.5 घंटे का, उस बीच में क्या करें? तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है हाउ टू डेवलप कमांड फॉलोइंग वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें सब्सिडियरी ही हैं, वो सारी चीज़ें आप करें, और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई। मैंने एक बात बोला है हमेशा कि आप बच्चे को परेशान कीजिए, नहीं तो बच्चा आपको परेशान करेगा, तो देख लीजिए कि करना क्या। परेशान करने का मतलब उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको मतलब किसी ना किसी काम में उसको एंगेज रखिए। काम में उसको एंगेज रखिएगा तो क्या होगा कि वो इधर उधर में ध्यान देगा ही नहीं, अपने काम में फंसा रहेगा। जैसे मैंने कुछ कुछ बच्चों को क्या किया कि यहाँ पे कपड़े में बॉडी से टच करते हुए बॉल डलवा दिया, या फिर चाबी वगैरह हुए, बंच जो होता है पूरा चाबी का गुच्छा वो डाल दीजिए, और नीचे से पैंट में उसका शर्ट लगा दीजिए, अब वो नीचे से निकलेगा नहीं, अब वो अपना खोज रहा है, इधर उधर खोज रहा है, या फिर कंचे वगैरह लेके आइए वो डाल दीजिए, वो खोजेगा धीरे 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 धीरे, वो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी हो रही है उसकी, उसका माइंड डेवलप कर रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। उसके अलावा बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं,
बकेट बॉल वाली एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, हजारों एक्टिविटीज जो आप घर में बना सकते हैं, वो बच्चे को दे सकते हैं वो खाली टाइम में। उससे क्या होगा कि और बच्चा इंप्रूव करते जाएगा। तो जिन जिन लोगों को मैंने बताया जो सही से फॉलो कर रहे हैं, उनके बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेज आए हैं और ये गारंटीड है। अभी एक पाकिस्तान से मैडम हैं, परसों उन्होंने मैसेज किया था कि सर आज तक तो हम लोग जहाँ भी गए थे तो जो जो बताया गया कहीं कुछ ये नहीं हुआ, आपने सिर्फ मैं एक सिर्फ एक सेशन मैंने उनको ऑनलाइन दिया और सिर्फ एक सेशन में जो एक्टिविटीज़ मैंने उनको बताई हैं वो अपने बच्चे पे कर रही हैं और उसके बाद बच्चा काफ़ी मतलब वो सुधार हो रहे हैं उसमें। तो उन्होंने उधर से मैसेज भेजा, वो इस मैसेज भेजा, मैं परमिशन उनसे ले लूँगा तभी उनका नाम वगैरह ये करूँगा, अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो फिर नहीं करूँगा। तो अब देखिए कि जैसे वो वर्चुअल मीडियम से जुड़ी हैं, कहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई, कहाँ हम हिंदुस्तान में, और ये भी बिहार पटना में, तो उनसे वर्चुअल मीडियम से जुड़े हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे आधे घंटे 40 मिनट बात हुई है। मैंने बस उसमें उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, उन्होंने किया और वो ऑनेस्टली कर रही हैं, क्योंकि उनको क्या है कि समझ आ रहा है कि सिंसियरली काम करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से वो काम कर रही हैं, अपना वीडियो भेजती हैं रिव्यू के लिए और रिव्यू करके भेज दिया जाता है और काफ़ी अच्छा उनका ये हो रहा है, ये ऐसा उन्होंने बताया। मैंने मेरे से दोबारा बात हुई नहीं है कॉल से या फिर वीडियो कॉल में। तो ये अच्छी बात है कि जैसे पाकिस्तान की बात छोड़िए, बंगाल में ही हैं रूपक मिश्रा जी हैं, उनका एग्जाम्पल मैंने 2-3 वीडियो में दिया है, इस वीडियो में भी देना चाहेंगे। इस संडे भी वो मेरे साथ जुड़े हुए, इस संडे 14 लोग ऑनलाइन सेशन में थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से कई कई कंट्रीज से लोग आते हैं, मतलब वहाँ अपने ही यहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग अभी नहीं हैं, वहाँ के लोग तो अभी अंग्रेजी बोलने वाले लोग के पास जाएंगे ना, हम लोग तो हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी भाषी लोग से ही जुड़े हुए हैं। और हिंदी भाषी लोगों से जुड़े तो एक अपना इमोशन होता है, एक उनके साथ इमोशनल कनेक्ट होता है, एक फैमिलियल कनेक्ट होता है, तो ये अच्छा लगता है। तो और काफ़ी अच्छे लोग हैं जो यहाँ से जहाँ भी गए हैं लोग, सब लोग काफ़ी अच्छे, हमारे हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वहाँ हिंदुस्तान उनमें बरकरार है, ये देख के अच्छा लगता है। तो ये मैंने देखा कि जहाँ जहाँ भी लोग हैं, जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको जो चीज़ें बताई गई वो जो हमारा ये होता है एडवाइस जो होता है, होम प्रोटोकॉल होता है, उसको वो सीरियसली लेते हैं। यहाँ वाले जिनके लिए हम सहज अवेलेबल हैं उनको लगता है कि बस रोज़ तो जा ही रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ये होता है कि हाँ रोज़ तो जा ही रहे हैं, रोज़ तो इनको देखते हैं, चलो ठीक है चल रहा है चल रहा है, कम्फर्ट जोन में मतलब कि पड़े हुए, तो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए और काम कीजिए बच्चे के ये के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। नहीं समझ में आवे रिव्यू के लिए आप ये करते, ग्रुप में अभी तक 50 लोग आसपास जुड़ गए होंगे, तो आप ग्रुप में मैसेज भेज दें या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दें। नहीं व्हाट्सएप का रिप्लाई हुआ तो आप कॉल कर लें, कॉल का भी रिप्लाई नहीं हुआ तो थोड़ा वेट कर लें, आपको देर सवेर रिप्लाई दे दिया जाएगा। और मैंने बार बार हर वीडियो में बोला है कि हर एक पेशेंट अटेंडेंट सबका इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, क्योंकि सिंसियरली मैं काम करता हूँ इस पे, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करता हूँ। और ऑटिज्म के फील्ड में बहुत जल्दी ही एक माइलस्टोन हम लोग सेट करने जा रहे हैं और एक ऑटिज्म रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं जहाँ की सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, रिहेबिलिटेशन के सारे फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, और वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। बस आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ये हो जाएगा। सपोर्ट सिर्फ आप लोग का एप्रिसिएशन और वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बाकी फाइनेंशियली कोई ये है नहीं। तो बस वो होता है कि मोरल सपोर्ट होता है ना, कि जैसे आप लोगों ने बोला कि बहुत सारे वीडियोज़ देखे लेकिन सबसे जेन्युइन आपका वीडियो लगा, तो क्योंकि वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है ना, वो दिल से जो आवाज़ आती है वही है, और अभी मैं बात कर रहा हूँ तो एकदम अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा के जो जेन्युइन लगती है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो जो लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़ चुके हैं, 50-55 लोग अभी तक जुड़े हैं, सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, सब लोगों से मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि सीटिंग टॉलरेंस जनरली बच्चों में नहीं होता है। तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं सीटिंग टॉलरेंस है, मतलब 1 घंटे तक बैठ के एक्टिविटी कर लेता है। तो 1 घंटे तक बैठ के एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कर लेता है? वो जो करना चाहता है वो एक्टिविटी कर लेता है। आपको जो मैंने बोला वो कराने के लिए वो उस पर नहीं बैठ रहा है, मतलब सिटिंग इनटॉलरेंस है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चे में।
और सिटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चे में तो वो फोकस्ड नहीं होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, और उसके बाद जब ये नहीं होगा तो चीज़ों को समझेगा नहीं, कमांड फॉलोइंग नहीं लेगा, उसका ये नहीं होगा कि उसका ये करें कि कमांड फॉलोइंग नहीं लेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो तब तक स्पीच का तो आप सोचिए ही मत। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है सिटिंग टॉलरेंस। अब जो जो एक्टिविटीज़ मैंने प्लान करके बताई हैं लोगों को, सब लोगों को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सामान आने में इतना समय लग गया है या फिर लगेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 सप्ताह किए तो और उसके बिहेवियर में ये हो गया, एग्रेसिवनेस बढ़ी। या हाइपर एक्टिव, आप लोग बोलते हैं कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है। हाइपर एक्टिविटी आप लोग मतलब ठीक है, लेमैन की भाषा में ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ होता है। तो मतलब एग्रेसिवनेस बढ़ गया, बच्चा इरिटेट रहने लगा, नोचने लगा, काटने लगा, ये सब चीज़ें करने लगा, 1 सप्ताह 10 दिन तक चलता है, तो हड़बड़ा के आपको ये लगता है कि कहीं ये गलत नहीं ना हो रहा, और आप लोग छोड़ देते हैं। क्या है कि सालों से जो आप चीज़ें करा रहे हैं वो उसके मन के मुताबिक करा रहे हैं। पार्क में आप लेके जाते हैं, टनल में बच्चे को स्लाइड कराएंगे, टनल में घुमाएंगे, जंपिंग कराएंगे, किस बच्चे को अच्छा नहीं लगे तो वो करेगा, तो वो ही चीज़ें वो सालों से करे आ रहा है। अब आपको पता नहीं था कि सही चीज़ें करनी क्या है, आप एडवांस लेवल पे चीज़ें कर रहे थे, बेसिक लेवल पे कर ही नहीं रहे थे। बेसिक लेवल की चीज़ें मैंने ही बताई, उसको इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, बच्चा नहीं करना चाह रहा है तो इरिटेट होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसकी वजह से आपको हड़बड़ा के छोड़ नहीं देना है, अगर नहीं समझ में आए तो फ़ोन या मैसेज कर लेना है, उससे आपको चीज़ें समझा दी जाएंगी। क्योंकि इस संडे 4-5 लोगों का ये कंप्लेन था कि जब से आपने जो एक्टिविटी बताई करना शुरू किए, बच्चा हाइपर होने लगा, मतलब उनके कहने का मतलब हाइपर होने मतलब एग्रेसिव होने लगा, भागने लगा, रोने लगा, कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यू करेंगे उसको, कंटिन्यू करेंगे आप, सिर्फ 10 से 15 दिन कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद देखिए कि बच्चे में मतलब मिरेकल होगा, वो चेंजिंग होगी, पॉजिटिव चेंजिंग होगी, और वो आराम से बैठना शुरू करेगा, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगी, फोकस्ड होगा, आई कांटेक्ट देना शुरू करेगा। तो इसलिए जो चीज़ें बताई जाती हैं, और मैंने बार बार बोला है, अभी ये बता देते हैं यूट्यूब, ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने हर वीडियो में लगभग बोला है या हर एक पेरेंट से बोला है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बनाया है वो पूरी दुनिया में वही सबसे जेन्युइन होगा, इतना कॉन्फिडेंस मेरे पे है, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने बहुत सारे लोग गोल मटोल कुछ टर्म लिख देते हैं कि ये है वो है, कि डिप्लोमेटिक टाइप टर्म कि हाँ SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, तो वो जनरली है ऑटिज्म वाले केसेस में, सारे में है। कोई लिख दे सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर, वो लगभग में है, डिलेड माइलस्टोन सब लगभग में है, तो ये कोई ये नहीं हुआ। तो जो डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस ही दिया जाता है, तो प्रोविजनल डायग्नोसिस की हाँ एक्सपेक्टेड ये है कि सस्पेक्टेड कि ऑटिज्म सस्पेक्टेड या फिर ADHD सस्पेक्टेड या फिर कुछ भी लिख दिया जाता है। प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि हाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, जो भी। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उस ग्रेड से हमको मतलब नहीं होगा, ग्रेड मैंने क्या दिया उससे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, मेरे हिसाब से उसका कनेक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चे में सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम के हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो बच्चों में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, और मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा से यही रहा। इसलिए मैंने बोला कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने दिया है वो पूरी दुनिया में आप कहीं जाएंगे वैलिड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का नतीजा है। आप लोग हड़बड़ा जाते हैं ऑनलाइन सेशन वाले कि 1-2 दिन अगर उनको वीडियो नहीं गया कि क्या क्या करना है तो हड़बड़ा जाते हैं। आप लोगों को कुछ भी भेज दें तो चलेगा, आज तक आपके साथ यही होते आया, धोखाधड़ी होते आई, हम भी वैसा चीज़ नहीं करना चाहते। तो उसके लिए क्या है ना कि संडे में तो 13-14 सेशन लेने के बाद 1 मिनट का भी आदमी ये नहीं रहेगा कि उसके बाद कुछ उसका फिर से कुछ पढ़े या फिर उसका असेसमेंट प्रॉपर ये करके आपके लिए कुछ सजेस्ट करे, तो 1-2 दिन का समय लगेगा, खाली टाइम में आदमी काम करेगा। तो खाली टाइम में जब फ्री होंगे तो कल 4-5 लोगों का मैंने ये बना दिया है, अभी 7-8 लोग और हैं, उनका भी असेसमेंट और उसके बाद से उनको होम एडवाइस, होम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना है,
तो अभी के समय में भी रोज 2 घंटे 3 घंटे निकाल के अपने लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सारा कुछ मुझे पता नहीं है। मैं YouTube का ऑटिज्म एक्सपर्ट नहीं हूँ, विकिपीडिया एक्सपर्ट, A4 ऑटिज्म और B4 बकवास टाइप चैनल वाला नहीं हूँ कि हाँ सिर्फ चैनल में कुछ भी उल जुल बक दें, जितना व्यू बढ़ेगा उसके हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं कर रहे हैं। तो उनको ये है कि कुछ भी उल जुलूल वीडियो डाल देना है, तो उल जुलूल वीडियो नहीं डाल सकते ना, वीडियो डालने में भी समय लगता है और वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब इधर कुछ होगा ही नहीं तो इधर बोलेंगे क्या, और विकिपीडिया का ट्रांसलेट करेंगे लिख के कि हाँ उसको ट्रांसलेट कर दें, तो वो नहीं होगा ना। तो जेन्युइन वीडियो आने में थोड़ा समय लगेगा, जेन्युइन आपको एडवाइस में भी समय लगेगा, हड़बड़ाएं नहीं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी काम करेंगे तब ना जल्दी ठीक हो। आप निश्चिंत रहें, मुझे भी ये बात पता है और मैंने सारे लोगों को बोला है कि अभी तक जहाँ भटक रहे थे, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, यहाँ कुछ दिन टिक के रहें, 1-1.5 महीने भरोसा करके रहें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि और अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं रुकने की ज़रूरत है। जो ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं, ऑनलाइन सेशन में, ऑफलाइन में अगर आ जाते हैं फिजिकल सेशन में, तो तब तो और अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ भी रहे हैं तो ये अच्छी बात है, तो उससे उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब क्या है कि जो चीज़ें, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन ये है कि जहाँ भी हम सेंटर में जाते हैं वहाँ उन लोग कुछ बताता नहीं है घर पे करने के लिए। हम लोग पूछते हैं तो बोलता है कि हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मतलब सीधा सा ये है कि आप सालों साल यहाँ आइए, हम आपको घर पे कुछ नहीं बताएंगे। और वो मतलब सरकारी स्कूल के टीचर टाइप मास्टर जी जो होते हैं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के, स्कूल में नहीं कुछ बताएंगे, ट्यूशन में आओ तो बताएंगे। तो उसी तरह का ये इन लोग का हाल है कि नहीं बताएंगे, कोई स्पेशल सर्विस लीजिए तो उसमें बताएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर होइए, कंफर्ट जोन में मत पड़े रहिए कि हाँ फलाने डॉक्टर साहब मेरे अपने जान पहचान के हैं, उन्होंने जहाँ भेजा है तो सही ही भेजा होगा, ये भ्रम में रहिए मत। अक्सर वहीं ठगा जाता है आदमी जहाँ अपना समझ के जाता है, तो ये ध्यान रखें। सालों साल निकल जा रहा है और उसके बाद जब आप कहेंगे कि साल भर हो गया फिर भी इसमें इम्प्रूव नहीं किया बच्चा, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं उन लोग, पल्ला झाड़ना शुरू करते हैं। तो फिर क्या करेगा कि उसमें से उठा के कहेगा अच्छा स्पीच में डाल देते हैं, आपको भी लगा कि चलो चेंजिंग हो गया, लेकिन चेंजिंग नहीं हुआ, वो फिर से आपको 6 महीना और वेस्ट करने के लिए डाल दिया गया। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। और ये मेरे तरह और भी लोग होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे, जिस दिन से वो मेरे साथ जुड़ेंगे उस दिन से उनका बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, जब तक वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ता है। और मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी हम सारा कुछ उस बच्चे के लिए करेंगे, सारा सपोर्ट हम आपको देंगे, आप हम पे भरोसा करें। 1 से 1.5 महीने, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग 1-2 वीडियो देख के आ जाते हैं तो उनको हमारे बारे में पता नहीं है और वो सारा बात फ़ोन से करना चाहते हैं, तो आप लोगों की तरह और लोग भी फ़ोन करते रहे, सबसे बात करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5-7 वीडियो प्रीवियस देख लें, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे आपके सारे सवाल का जवाब तो उसी में मिल जाना है। उसके बाद रहा कि आपको ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे क्या है नहीं है, और अपनी समस्या बता सकते हैं। ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे तो उसमें हम आपको ये कर सकते हैं। तो यही ओवरऑल बातें ये सारी हैं जो कि आप सभी लोगों को समझनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग जैसे भी जुड़े हुए हैं। कोई भी समस्या हो, हमारे पास कोई भी बिना मतलब का प्रोटोकॉल हम नहीं करते हैं। जब भी आपको समस्या हो आप मैसेज कर दें और 2 से 4 के बीच में कॉल करें। कभी कभार हो सकता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ जाए तो बाहर रहूं, जैसे कल 2 से 4 में मैं बाहर था, तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया लेकिन किसी का जवाब मैं नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि बाहर थे और आवाज़ ज़्यादा हो रही थी तो बात हो नहीं पाती, इसलिए मैंने बोला कि जब फ्री होएंगे तो बात करेंगे। तो जो लोग भी कल बात नहीं कर पाए हैं वो आज 2 से 4 के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं और हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ तो। नहीं तो आप ये कर दें, मैसेज छोड़ दें, उसमें आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।